Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Mayur Mathur. I welcome you all in today's lecture of third year Banking and Insurance. Our topic is Human Resource Management. In that, we are going to have a look on training and development. So let's start with our today's topic. In our previous topic, we have a look on various, that is, functions of HRM, and that we have done recruitment and selection. Today we are going to have a look on a training and development. So आइए देखते हैं क्या होता है training और development. So यहाँ पे लिखा हुआ है training is expensive, without training it is more expensive, said by respected चाचा नेहरू जी. क्या बोला है इन्होंने? सर training एक expensive है, agree, but अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, ज़्यादा खर्चा होगा. मतलब ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट, क्यों ज़रूरत है ट्रेनिंग की? व्हाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? है रिक्वायरमेंट, है ज़रूरत. लेट्स सी. ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉय टू डू देयर करेंट जॉब. ट्रेनिंग क्या करती है? जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको उनके करंट जॉब में ईजीली इफेक्टिवली काम करने में बहुत हेल्प करती है. ओके, नेक्स्ट, डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या करता है? डेवलपमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू हैंडल फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आगे चल के जो हमें बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे और किसी भी चीज़ की हो. सो डेवलपमेंट हेल्प्स इन फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जैसे हम हमारे माइंड में लाना आए हो तो हम उसको क्लियर करते हैं. वाई टू ट्रेन? ट्रेनिंग क्यों होना चाहिए? सो डस प्रोवाइडिंग देम अ ट्रेनिंग मीन्स दे आर इनसफिशिएंट टू परफॉर्म वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन? अगर हम किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या वो इनसफिशिएंट है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने के लिए? नो, द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो. वो परफॉर्मेंस करने के लिए इनसफिशिएंट नहीं है, बट उनके परफॉर्मेंस को और भी बेटर वे में लाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज, ट्रेनिंग इज अबाउट मेकिंग देम कंपनी स्पेसिफिक एंड जॉब स्पेसिफिक. यस, ट्रेनिंग क्यों देते हैं हम? कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर्सन, बंदा, एम्प्लॉय, उसके लिए फिक्स होना चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए. नेक्स्ट, वॉट वी आर डूइंग इन इनिशियल ट्रेनिंग. क्या होता है इनिशियल ट्रेनिंग में? आप कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, या कहीं किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हो, या कहीं किसी MNC को ज्वाइन करते हो, सो वहाँ पर क्या होता है? इनिशियल ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट फर्स्ट ओरिएंटेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी क्या है, कब शुरुआत हुई थी, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, वो दिखाया जाता है, वो बताया जाता है. टेलिंग अबाउट हु वी आर एंड वॉट वी आर, वॉट वी डू, ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है. सो हु वी आर मतलब कंपनी बताती है कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हमारी शुरुआत कब हुई थी, वॉट वी डू, कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं हम, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम, वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू वॉट वी वॉन्ट. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब आपको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, सो कंपनी आपको ये बताती है कि ये हमारी कंपनी है, हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, और हम जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपसे हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है. किसको? ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए. सो ये दीज ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ अ इनिशियल ट्रेनिंग. अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय के पास स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, एटीट्यूड है, सारी चीज़ें हैं जो कि एक प्रॉपर एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए, बट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कुछ थोड़ी सी अलग स्किल्स चाहिए, कुछ अलग नॉलेज चाहिए, या कुछ एक्सपीरियंस चाहिए. सो व्हाट ट्रेनिंग डू? ट्रेनिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन द एग्जिस्टिंग स्किल्स, एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, एंड द रिक्वायर्ड स्किल्स, रिक्वायर्ड नॉलेज एंड रिक्वायर्ड एटीट्यूड. मतलब ट्रेनिंग जो है वो गैप फिल करता है किसके बारे में, जो एम्प्लॉयज़ के बाद स्किल्स हैं वो, और जो कंपनी को स्किल्स चाहिए, वो दोनों के बीच में जो गैप है उसको ट्रेनिंग फुलफिल करता है. ओके,
आगे देखते हैं और क्या है. When does the need of the training arises? ट्रेनिंग का नीड कब अराइज होता है. सी नो वन इज अ परफेक्ट एंड फिट एट द टाइम ऑफ हायरिंग. हर कोई सब कुछ किसी को नहीं आता है. सो इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो सम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मस्ट टेक प्लेस बिकॉज नो वन इज अ फिट एंड नो वन इज अ परफेक्ट एट द टाइम ऑफ हायरिंग. सो उसमें और भी क्या होता है. इंस्टॉल अ न्यू इक्विपमेंट और टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स बताए जाते हैं. चेंजिंग इन द वर्क मेथड और प्रोडक्ट. लेबर शॉर्टेज नेसेसिटीज एंड अपग्रेड ऑफ सम एम्प्लॉयज. कोई एम्प्लॉय जो एग्जिस्टिंग है हम उनको उनका नॉलेज अपग्रेड करते हैं ट्रेनिंग देके. प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज. एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी स्किल्स एंड देयर कुड बी अ पुल ऑफ टैलेंट फ्रॉम विच प्रमोट फ्रॉम. और क्या क्या है अभी हम देखेंगे. एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग. एडवांटेजेस लीड्स टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रॉफिट ओरिएंटेशन. एडवांटेजेस क्या है ट्रेनिंग के. सबसे पहले इट लीड्स टू मोर प्रॉफिटेबिलिटी. अगर हमारे पास ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होंगे और जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चीज़ें चाहिए वही वो प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है डेफिनेटली इंक्रीज होगा. इट इम्प्रूव द जॉब नॉलेज एंड स्किल्स एट द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जॉब नॉलेज क्या करना है किस तरीके की स्किल्स चाहिए वो भी इम्प्रूव होता है. हेल्प पीपल टू आइडेंटिफाई विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. जो पीपल्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है वो दोनों को पता चलता है कि जो एम्प्लॉयज है उसको पता चलता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए और मुझे किस तरीके से काम करना है. हेल्प्स टू केयर क्रिएट अ बेटर कॉर्पोरेट इमेज. जाहिर सी बात है अगर एम्प्लॉय वेल ट्रेंड होगा तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा. परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा. ऑर्गेनाइजेशन का सेल ज़्यादा होगा उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा और जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा इमेज अपने मार्केट में क्रिएट कर पाएंगे. ओके सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग. ओके आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग. सबसे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग का मैं डिसएडवांटेज ये बताना चाहूँगा कि जो रियली लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है. व्हाट द एम्प्लॉयज डू. जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर खर्चा करती है आपको सैलरी देती है कि आप यहाँ पे आइए और 3 महीना हमारे से ट्रेनिंग लीजिए फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए. बट बहुत जगहों पे क्या होता है एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है. 3 मंथ्स वो लोग आते हैं ट्रेनिंग लेते हैं जिसको कुछ मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग भी बताऊंगा वो हमारे आगे वाले सेशन में आपको मैं बताना चाहूँगा. ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग होती है जिसपे कंपनी एम्प्लॉय को सैलरी देती है बट एक बार जब वो एम्प्लॉय सीख जाता है तो वो जॉब छोड़ देता है. तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज का लॉस होता है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उन्होंने जब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया तो एम्प्लॉय के ऊपर उन्होंने खर्चा किया. तो जो एम्प्लॉय के उन्होंने ऊपर उन्होंने खर्चा किया उसका रिटर्न उनको बाद में मिलने वाला था जब एम्प्लॉय वो जॉब छोड़ के चला जाता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक कंडीशन और डिसएडवांटेज आई विल से इन द ट्रेनिंग. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी फाइनेंशियल ड्रेन और रिसोर्सेज. एक्सपेंसिव डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग. एक्सपेंसिव टू ऑपरेट. सिंपल सी बात है अगर मैं किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मुझे अरेंजमेंट्स होगी वहाँ पे ट्रेनी आएगा उसकी सैलरी होगी ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही एक्सपेंस होता है. ठीक है. इक्विप स्टाफ टू लिव द बेटर जॉब. जॉब छोड़ देते हैं. बैड हैबिट भी उसमें से कुछ पास होती है. ऑफन टेक पीपल अवे फ्रॉम द जॉब फॉर अ वेरियस पीरियड ऑफ टाइम. अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ 3 महीने का तो उतना समय अगर मैं अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो वो 3 महीना वो जॉब से दूर हो जाएगा सिर्फ ट्रेनिंग में ध्यान देगा. सो देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग. उसके साथ साथ दे आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. क्या क्या है ऑब्जेक्टिव्स. एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्वालिटी इंप्रूव होती है और एम्प्लॉय के अंदर वर्सेटिलिटी आती है टू ऑपरेट द जॉब और एम्प्लॉय की सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी मतलब वो टिका रहता है उसको अपने जॉब से प्यार आता है क्योंकि उसको समझ में आ गया होता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए और मुझे काम किस तरीके से करना है. सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है. देर आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट. क्या है इम्पोर्टेंस. सी सिंपल सी बात है अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सो बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को. क्यों. क्योंकि एम्प्लॉय जब सीख जाता है तब वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के काम आता है. उसके बाद उसको खुद का इंडिविजुअल बेनिफिट है क्योंकि ट्रेनिंग मिल रही है तो उसका अपना पर्सनल नॉलेज गेन हो रहा है. ठीक है.
और बेनिफिट द पर्सनल्स एंड ह्यूमन रिलेशंस, इंट्रा ग्रुप इंटर ग्रुप जो भी, मतलब इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन को और इंडिविजुअल को दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है। देर आर सम इनपुट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्या है, स्किल्स मिलती है, डेवलपमेंट होता है, एथिक्स के बारे में बात करूँ तो नॉलेज गेन होता है और बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। सो आज मैंने आप सबसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करी, आई होप सो आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।